सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स, आज हम बात करेंगे BTC वर्सेस FB, यानी कि BTC बिटकॉइन वर्सेस FB, FB का स्टॉक, फेसबुक का स्टॉक। तो मैं आज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव स्लैप ऑन दोज पीपल जो कहना चाहते हैं कि फेसबुक और स्टॉक्स और मतलब क्रिप्टो ही सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में ऐसी चीज़ है जो कि रिस्की है, स्टॉक्स और फॉरेक्स रिस्की नहीं है। और मतलब जो ये लोग हैं वो लोग हैं जिनको मैं जिनको टारगेट कर रहा हूँ, जिस जनता को टारगेट कर रहा हूँ, वो समझ नहीं आता कि हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, बट उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मैं आप उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बोलते हैं कि जी क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है अकॉर्डिंग व्हेन वी कंपेयर क्रिप्टो टू मार्केट और स्टॉक। तो मैं आज सिंपली फेसबुक का शेयर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेसबुक जो आता है वो आता है फैंग स्टॉक में। फैंग स्टॉक कौन से होते हैं? FAANG, फैंग स्टॉक, यानी कि फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट होल्ड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में, अपने नैसडैक और बड़ी बड़ी मार्केट्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, इनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इनके स्टॉक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो आज हम बात करेंगे ज़रा सा फेसबुक स्टॉक के बारे में और बात करेंगे कि क्या चल रहा है थोड़ा सा क्रिप्टो में और फेसबुक के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ये बोला जाता है। जब एकदम रैली ली थी BTC ने, आपको मैं दिखाऊँ प्राइस रेंज यहाँ से लगा लीजिए आप, हाँ ये इस समय वापस यहाँ तक आया हुआ है, 5700 टू सीधा 20,000 आप यहाँ देख सकते हैं, 270% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिला था। हाँ, 271% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिला था, जबकि यहां से 500,000 कुछ से लेके इतना ऊपर तक गया, 20,000 तक गया, 271%। तो उसके बाद ये बोलते कि आपको ड्रॉप भी नहीं चाहिए, आपको सीधा मतलब पैराबॉलिक चाहिए जैसा कि अमेजोन इस समय कर रहा है। उसके बाद ये ड्रॉप हुआ करीब करीब नहीं था जितने से वहां से ऊपर गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मतलब इतना ड्रॉप हुआ, वापस उसी वैल्यू पे आया। तो यहाँ पे फेसबुक को देखिए, आप कहते हैं कि यहाँ पे आपको मिला है तो 44% का अपवर्ड मिला और आधा ये नीचे आ भी गया। तो हुआ क्या था फेसबुक में, फेसबुक के कोफाउंडर ने बोला हमारा रेवेन्यू अभी भी कम है और हमारा रेवेन्यू पूरे पूरे ईयर कम रहेगा। आप देख सकते हैं, बोलते हैं कि फेसबुक का और काफी सारा स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक मार्केट है वो पूरी की पूरी वोलेटाइल नहीं है, उसके अंदर आपको रिस्क नहीं होता इतना, उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा मैक्सिमम। आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे अभी जो गिरा हुआ है अभी भी ये करीब 24% तक हाईएस्ट गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे इसने सिमेट्री का ट्राइंगल बनाया था तब भी ये 18% तक हाईएस्ट नीचे गया था। तो आप देख सकते हैं मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पे आपको फेसबुक का स्टॉक दिख रहा है जो कि मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, और यहाँ पे बोला जाता है इन्हीं लोगों की तरफ से कि क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्रिप्टो जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों, एक दिन में ये 22% का ड्रॉप आया था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, मतलब बिलियंस, कुछ 800 कुछ बिलियन, मेरे को पता नहीं है पूरा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ यहाँ पे और सीधा यहाँ से बेरिश होके नीचे 786 के रेंज पे आ चुका है फेसबुक। तो आपको मैं इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्क हर चीज़ में है, रिस्क आप जॉब कर रहे हो उसमें भी है, रिस्क लाइफ ही रिस्क है, आप बाहर निकलते हो कल को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रिस्क हर चीज़ में। अगर आपको वो मैनेज नहीं करना आता, आपको रिस्क ज़्यादा महंगा पड़ेगा और आपको ज़्यादा लॉस होगा। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है, आपको रिस्क कम पड़ेगा महंगा और आपको कम लॉस होगा। लॉस तो होना ही होना है भाई, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप, अच्छा एक बंदा इंजीनियरिंग करता है वो पहले 10 लाख रुपए की इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद देखता है वो 10 लाख रुपए है उसका रिस्क है, तो वो अब उसके ऊपर है उसने किस तरीके से मैनेज करके इंजीनियरिंग करनी है। वही मैं बोल रहा हूँ, रिस्क इज इन एवरीथिंग। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो सबसे ज्यादा यही सुनने को मिला था, भाई शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है,
उस चीज को मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था और मैंने बोला था कि नहीं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है जब तक आपको रिस्क अच्छे तरह मैनेज नहीं करना आता हो। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रिस्क पे होगी, रिस्क मैनेजमेंट पे होगी, वो वीडियो देखना जरूर, और आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से आप रिस्क को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। उस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको समझ आया होगा कि रिस्क हर एक चीज में है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो क्रिप्टो है। दोस्तों क्रिप्टो को ऐसे बदनाम ना कीजिएगा। दिस इज अमरप्रीत सिंह, एक इंडियन क्रिप्टो साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।